नमस्कार दोस्तों, एक नई सुबह की शुरुआत करते हैं। गवर्नमेंट को गालियां देते हैं क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चोर है और हम लोग ईमानदार हैं। जैसे ही हमको पता चला ऑक्सीजन चेक करने के लिए अब ऑक्सीमीटर की जरूरत पड़ेगी, तो जो 700-800 रुपए में ऑक्सीमीटर मिलता था हमने 3000 रुपए में बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि हम ईमानदार हैं, गवर्नमेंट चोर है। जैसे ही हमें पता चला ऑक्सीजन की जरूरत है, हम लोगों ने ऑक्सीजन पे कालाबाजारी शुरू कर दी। जो रेमडेसिविर गवर्नमेंट 900 रुपए में दे रही है वो हम लाख लाख दो दो लाख रुपए के अंदर बेच रहे हैं। हम ईमानदार लोग वो बेच रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं। एम्बुलेंस वाले 5 किलोमीटर एक कोरोना पेशेंट को ले जाने के लिए 7-7 हजार रुपया चार्ज कर रहे हैं। आगरा से दिल्ली एक कोरोना पेशेंट की बॉडी लाने के लिए एम्बुलेंस वाले 70-70 हजार रुपया चार्ज कर रहे हैं। ये ईमानदार लोग हैं। जैसे ही हमें पता चला कि अब विटामिन सी के लिए नींबू की जरूरत पड़ेगी, नारंगी की जरूरत पड़ेगी, संतरे की जरूरत पड़ेगी, 30-40 रुपए किलो चीज बिकने वाली, हमने 150 से लेकर 250-250 तक बेचना शुरू कर दिया है। एक नारियल पानी जो 30-40 रुपए का मिलता था आज 100 रुपए में भी कोई नहीं बेच रहा है, उससे ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। शर्म करो ईमानदार लोगों। हर जगह यहां तक के शमशान के अंदर जो लकड़ियां जल रही है ना, उसमें भी बेईमानी कर रहे हैं। फल से लेके फ्रूट, सब्जी, अंडा, चिकन, दाल, कौन सी ऐसी जगह है जहां पे आप लोगों ने लूट नहीं मचा रखी है? ईमानदार लोगों ने लूट नहीं मचा रखी है। हर जगह कालाबाजारी, हर जगह कालाबाजारी। हम लोग तो उस गिद्ध से भी बदतर लोग हैं जो मरने के बाद मांस नोच के खाता है। हम तो जिंदा इंसानों का मांस नोच के खा रहे हैं, क्योंकि हम ईमानदार हैं। शर्म आती है, घिन आती है मुझे ये बोलने के अंदर। ये वो ईमानदार लोगों का देश है जिसको जैसे ही जहां पे चांस मिलता है, मौका मिलता है, वो लूटना शुरू कर देता है। ये ईमानदार लोगों की पैरवी, इतनी बड़ी लिस्ट मैंने आपको बताई। कहते हैं यहां गुजरात में कि इतना बड़ा नरेंद्र मोदी ने स्टेडियम बना दिया जहां लाखों लोग आ सकते हैं, लाखों की पब्लिक बैठ के मैच देख सकती है, वहां पे कोरोना पेशेंट के लिए बेड क्यों नहीं लगा देते? अरे कहां से लगाएं बेड? 10,000 बेड लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पर 10,000 बेड, 5,000 बेड के लिए स्टाफ, नर्सेस, डॉक्टर्स कहां से लेके आओगे? इस वक्त मेहरबानी करके ये पॉलिटिक्स और ये बेईमानी बंद कर दो। एक दिन आप लोगों को भी मर के ऊपर जाना है, यहां पब्लिक में नहीं पर ऊपर तो जाके जवाब देना है आप लोगों को। ईमानदार लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अपनी इंसानियत दिखाओ प्लीज। बंद कर दो ये बेईमानी और सुबह उठ के गवर्नमेंट को कोसना। पहले अपने आप को सुधारो, फिर दूसरे को जाके गालियां देना। जय माता दी, जय हिंद।